भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं। पुना सड़े में रहती हूँ मैं, और ये दोनों लड़के लावारिस से, तो ये दोनों भीख मांग के मेरे घर के सामने ही पड़े रहते हैं। तो सर मेरी ये गलती हुई कि मैं उनको खाना पीना मांग लेते थे, दे देती थी। इसके बाद में सुबह 7 बजे इसने भीख मांग के लाया, तो इसके बड़े वाले भाई ने इससे पैसे छीन लिया, तो मैंने उसको लंगड़े वाले को उसके पैसे वापस छुड़ा के दे दी कि भाई वो लंगड़ा है, उसके पैसे तू क्यों ले रहा है। सुबह 7 बजे के समय पे मैं पानी भर रही थी, नल चल रहे थे, तो और दूसरे लोगों ने भी देखे। इसके बाद में सर फिर मेरे बड़ा बेटा ख़त्म होगा तो हमारे में गुलाल डलता है, तो आज हम लोग खाना नहीं बनाते। तो इसके बाद में हम बैठे रहे 12-1 बजे तक। इसके बाद हम थाने में झगड़ा हो गया तो एक लेडीज़ को पंचायती मार पड़ी, तो हमारे मोहल्ले के सभी गए थे, तो उन लोगों के साथ में सर हम पूरा परिवार हमारा सभी लोग उधर थाने में थे। तो वहाँ से वापसी आने के बाद देखी तो ये लोग दोनों एक दूसरे पे खून झार होके पड़े थे सर। अच्छा ये बताओ कि ये दोनों जो इसके माँ बाप कौन है, भाई बता? इसके माँ बाप उसकी माँ रहती है खंडवा में, वो दूसरे आदमी कर ली उसने, और ये लड़का अभी जेल काट के गया था 6 महीने में। ये अभी जेल में था, अभी 2 महीने से डेम पे गया है। तो ये बोलता है भाभी हमको खाना दे दो, पानी दे दो, तो उसमें उसको दे देती थी लंगड़ा है करके। सर इसके बाद में देने के बाद में यहाँ से आई मैं, तो इनको देखी तो किसी ने मदद नहीं करा। मैंने बोली मर जाएंगे, मैंने 108 को फ़ोन लगाई, गाड़ी नहीं आई। फिर इसके बाद में 100 नंबर को लगाई, वो भी नहीं आई। थाने में फ़ोन लगाई तो हमारे थाने वाले सर वो झगड़े के बारे में पुणे पुनासा कोर्ट में गए थे। इसमें दोनों भाई में से किसकी मौत हो गई? वो धर्मेंद्र की मौत हो गई। और जो मतलब इसके माँ बाप वगैरह परिवार वाले अभी आए कि नहीं आए? अभी आई उसकी माँ, तो उसकी माँ आई तो मुझे मैं हॉस्पिटल लेके आई, तो उसकी माँ और उसकी मौसी मुझे डायरेक्ट मारने लगी, बोले तूने मार डाली, बोले मेरे लड़कों को, बोले। तो सर मैं क्यों मारूंगी उनके लड़कों को, मैं तो हॉस्पिटल लेके आई उनको, और किसी ने मदद नहीं करी। मैं उन लोग को हॉस्पिटल लेके आई, पहले उसको पुनासा लेके, आशा है मेरा नाम, उसको पुनासा लेके गई। भगवान करे कभी हॉस्पिटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर पड़े तो रंजीत होटल के पीछे दादाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर आपकी 24 घंटे सेवा करने के लिए तैयार हैं।